अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफशान नासिर एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैर। बारे में बात करेंगे वो है चूजिंग लॉ एज अ प्रोफेशन। टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि लॉ को ऑप्ट करने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया मे बी। मगर हाँ, इन सवालों को यहाँ पर एक सवालनामा, मेरे पास एक लंबा चौड़ा सवालनामा मौजूद है जिसके अंदर बहुत सारे सवालात हैं इस बारे में कि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BFSC किया है या वो लॉ को एज अ प्रोफेशन, एज अ कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस क्वेश्चन सवालनामे की टॉप ऑफ द लिस्ट जो सवाल है वो भी बेसिकली यही है कि इज़ इट टू टफ। यस, इट इज़ टफ। मगर देखने वाली बात यह है कि हायरार्की के अंदर, जब हम प्रोफेशंस की हायरार्की के अंदर नज़र दौड़ाएं, तो कोई भी प्रोफेशन बेसिकली ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक मज़दूर को देखें जिसने दिन रात बोरियां उठानी है, वज़न उठाना है, उसके वर्किंग आवर्स को देखें, उसकी जॉब की नेचर को देखें, तो इनको देखने से हमें अंदाज़ा होगा कि वो भी इतने ईजी प्रोफेशंस नहीं हैं। इवन देन लोग हैं जो वो काम भी कर रहे हैं। तो इट इज़ टफ़। येस, आई वुड नॉट से दैट कि इट इज़ नॉट। मगर इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इट और आप डिटर्मिंड हैं इसके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको इसको सक्सेसफुली एज अ प्रोफेशन या एज अ कैरियर चूज़ करने के अंदर आपके रास्ते में हाइल हो सकेगा। इज़ इट टू टाइम टेकिंग एजुकेशनल ईयर्स की बेसिस के ऊपर? तो दिस इज़ नॉट इवन ट्रू, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि लॉ अगर 3 साल के लिए हो रहा था तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ को एज अ प्रोफेशन, लॉ को परसू कर रहे थे आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन, तो उसकी बेसिस पे आपके एजुकेशनल ईयर्स 5 साल पूरे हो रहे थे, राइट? और अब हम BFSC के बात कर रहे हैं एज अ BS लॉ प्रोग्राम विच इज़ ऑफ 5 ईयर्स, तो एजुकेशनल ईयर्स आर द सेम। पहले इट वॉज आफ्टर ग्रेजुएशन एंड नाउ इट इज़ आफ्टर योर FSC, राइट? उसके बाद इस टेस्ट जनाब जॉब सिक्योरिटी, कि इसके अंदर आपको जॉब की सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है, तो देर इज़ नो सच प्रोफेशन, देर इज़ नो सच अदर डिग्री जो कि आपको जॉब की श्योरिटी देती है, राइट? और इसके साथ साथ अगर आपने इंजीनियरिंग की है या आपने MBBS किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इवन देन यू हैव टू गो टू सम प्राइवेट हॉस्पिटल और अ कंपनी और अ प्राइवेट जॉब जिसके अंदर आपको के फ्यूचर में जॉब करनी पड़ेगी बिल्कुल। मगर लॉ करने के बाद क्या है कि जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो यू आर देयर, आप फ्री हैं प्रैक्टिस करने के लिए अपने एरिया के अंदर, और आप फील्ड में मौजूद हैं एंड जॉब की सिक्योरिटी आपके पास मौजूद है कि आपके पास लाइसेंस आ गया, आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि देन एंड देयर आपको उसके लिए पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी जिस तरह जॉब्स में होता है, राइट? अगर आप इन टर्म्स ऑफ सैलरी बात करें, इन टर्म्स ऑफ मनी बात कर रहे हैं, तो या आपको उसी महीने से पेमेंट मिलना या आपको सैलरी आना शुरू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपको एक बिज़नेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह आपको लॉ की प्रैक्टिस के लिए भी मेहनत करना पड़ेगी जिसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। जनाब की प्रोस्पेक्टिव अप्रोच क्या है इसकी? लॉ करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप लाइसेंस लेके फील्ड के अंदर काम करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लॉ पढ़ा रही हूँ, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम नाउ। मगर ऐसा है कि हम फील्ड के अंदर जब देखते हैं तो अराउंड 20-25% स्टूडेंट्स ही हैं जो कि फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई देते हैं, राइट? बहुत एक छोटा नंबर होता है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए फील्ड में आता है। बहुत सारे इस इरादे के साथ लॉ करते हैं कि उन्होंने आके जुडिशरी को ऑप्ट करना है, बहुत सारे इसलिए ऑप्ट करते हैं कि उन्होंने आके सिविल सर्विसेज में अप्लाई करना होता है, या उसके लिए उनको एजुकेशनल ईयर्स पूरे करने हैं, प्लस जो उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर लॉ जो है उनको एज सच हेल्प करता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लॉ की डिग्री मिल जाने के साथ
क्रिएट हो जाती हैं। गर्ल्स के लॉ करने और उनकी प्रैक्टिस के बारे में हम एक अलहदा से टॉपिक रख सकते हैं जिसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए वीडियो इस टॉपिक के ऊपर जाने की वजह से बहुत लेंथी हो सकती है, राइट। बाकी बहुत सारी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है। तो एक और चीज़ जिसको कि देखने की ज़रूरत है लॉ करने से पहले, वो सबसे पहले आपका फोकस्ड होना कि आप लॉ करना क्यों चाहते हैं, राइट। ऐसा फोकस नहीं है, आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हमने कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, तो बेटर आपके लिए ये होगा कि आप लॉ में ना आगे बढ़िए। मैंने आपसे कहा कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपका अपना बिज़नेस, तो अपने बिज़नेस को टाइम देना, एफर्ट्स देना, स्किल देना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपका लेड बैक एटीट्यूड है, आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्क को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप इस प्रोफेशन की तरफ बराए मेहरबानी मत आए, क्योंकि अगर आपको फैमिली में सपोर्ट मौजूद है और आप इस तरीके से बर्डनाइज्ड नहीं हैं कि आपसे फौरन ये क्वेश्चंस होने लगे हैं या आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप सैलरी लेकर घर आएंगे या आप कुछ पैसे लेकर घर आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आपको यहाँ पर पाँव जमाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, जिसके बाद आपके पास आपकी एक गुडविल क्रिएट होने में, आपकी पब्लिक रिलेशन क्रिएट होने के अंदर, आपके पास केसेस आने के अंदर, एंड देन लेटर ऑन जो चीज़ आती है, दैट इज़ जाहिर सी बात है कि हम अगेन वही बात है कि गेंस के लिए कोई भी जॉब करते हैं, तो वो एक काफ़ी लेटर स्टेज के ऊपर है। उससे पहले हाँ, इज्जत आपको बहुत मिलेगी, आपकी बात की जो वैलिडिटी होगी उसको प्रायर रखा जाएगा, आपको बेइंतहा इज्जत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पिक्यूनरी शेप के अंदर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये फील्ड आपके लिए ठीक है, क्योंकि इट टेक्स लॉन्ग, राइट। अपना नाम बनाने के अंदर, अपना मकाम बनाने के अंदर अच्छा खासा टाइम लगता है, राइट। लेकर आप फील्ड में मौजूद हैं काम करने के लिए, आपको कहीं काम मांगने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एक रेपो डेवलप करते हैं और आपके पास केसेस आना शुरू होते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं और अल्लाह ताला आपको उसका सिला देता है। डेफिनेशन नहीं है, आप हार्ड वर्किंग नहीं है, लेड बैक एटीट्यूड है, और आप जिस तरह अपने कारोबार को टाइम दिया जाता है या गुडविल डेवलप की जाती है, पब्लिक रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं, अगर आप की नेचर में ये सब कुछ नहीं है तो आप लॉ की तरफ मत आएँ, क्योंकि इट इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पर आपको अ लॉट ऑफ स्किल, अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ जोक, ये सारी चीज़ें सोच के आपको आना पड़ेगा। एंड लास्टली, जो मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई भारी भरकम पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ये आपकी अपनी स्किल के ऊपर होगा। आपका एक बार नाम बन जाएगा तो डेफिनेटली जो आप कहेंगे अल्लाह आपको ज़रूर देगा, लेकिन इनिशियली आपके लिए इनकम जनरेशन इतना इजी प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। सो बी केयरफुल, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड कि आपको लॉ की तरफ आना है या नहीं। ओके जी, दिस इज़ ऑल आई थिंक। मेहनत करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतर करेगा। थैंक यू सो मच।